अगले 50 साल बाद दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। रोज नए नए आविष्कार होते जा रहे हैं जिससे मानव का जीवन और भी आसान होता चला जा रहा है। आपने कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आखिर कल किसने देखा है। दोस्तों, ये बात तो सच है कि भविष्य के बारे में सही तौर पर अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। कोई नहीं बता सकता कि अब दुनिया भर में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। और जिंदगी इतनी अनब्रेकेबल है या कुछ भी नामुमकिन है, ये बात तो सही है। ये भी सच है कि आज के वक्त में हो रही प्रॉब्लम्स, डेटा और बड़ी बड़ी कंपनी इसके प्लान्स को स्टडी करके आप भविष्य के बारे में सटीक अनुमान लगा सकते हैं। और आज हम इसी कोशिश में इस वीडियो में बताने वाले हैं वो घटनाएं जो 2070 से पहले आप देखेंगे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस प्रकार की घटनाएं, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों, आने वाले समय में ड्रोन से खाने की डिलीवरी मात्र कुछ ही मिनटों में होगी, क्योंकि आने वाला समय पूरी तरह से मशीनरी सिस्टम पर काम करेगा। इससे आपका समय काफी बचेगा। जहां आपको कोई भी सामान ऑर्डर के बाद एक या दो दिन में मिलता था, वहीं पर फ्यूचर में आपको अपने सामान की डिलीवरी मात्र कुछ ही घंटों में ड्रोन के जरिए मिलेगी। चलो, ये तो हुई बहुत ही बेसिक वाली प्रोग्रेस। पर आपको अगर बताए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की कामयाबी पर हम सभी को बहुत ही नाज है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट को एक सिंगल मौके पर भेजकर दुनिया में एक नया कीर्तिमान स्थापित करना हो, या फिर पहली बार मंगल पर लैंडिंग करना। इसरो ने कम बजट के साथ ये सभी उपलब्धियां हासिल करके दिखाई। लेकिन इसरो में एक कमी है, और वो है कि हम आज तक किसी इंसान का खुद स्पेस में नहीं भेज पाए। फिर हमें इसके लिए दूसरे देश की मदद लेनी पड़ी। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का अनुमान है कि 2023 तक भारत अपना पहला स्पेस में मिशन भेजेगा। पर दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से इसकी सटीक तारीख में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, लेकिन भारत का पहला मिशन सिर्फ 3 या 4 साल में आपको देखने को मिलेगा। और इस अभियान का नाम गगनयान रखा गया है। और 10,000 करोड़ रुपए की कॉस्ट वाले इस अभियान का लक्ष्य भी 3 लोगों वाले एक स्पेस क्राफ्ट को 5 से 7 दिनों तक स्पेस में ले जाकर वापस लाना है। राइज ऑफ पॉपुलेशन एम्प्लॉयमेंट एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चाइना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ में रुकावट आने वाली है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि भारत 2024 में चाइना को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। 2042 आते आते दुनिया की जनसंख्या में 9 बिलियन हो जाएगी, और भारत इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हो जाएगा। ऐसा होता तो भारत में गरीबी, बेरोजगारी और दूसरी समस्याएं पैदा हो सकती है। इसके साथ ही कहते हैं कि इतने सारे लोगों की जरूरतें पूरी करने और उनके रहने के लिए जगह तलाशने 2050 तक रेन फॉरेस्ट का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा इलोन मस्क के हिसाब से 2025 तक वो अपने न्यूरल प्रोजेक्ट को भी पब्लिक के सामने ले आएंगे। न्यूरोसाइंस को वो प्रोजेक्ट है दोस्तों, जिसमें एक इंसान के ब्रेन में ड्रिल करके उसके ब्रेन में फिट की जाएगी चिप, और इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में पहले पड़ गए हिस्सों को फिर से एक्टिव करना, जिससे पैरालिसिस से लेकर कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग ठीक हो जाएंगे। उनका मानना है कि 2040 आते आते इस तरह के आविष्कार कुछ एक बड़ा लेवल हासिल कर देंगे। और दोस्तों, इस चिप के जरिए दो इंसान एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट भी कर पाएंगे। आपको ये भी बताते हैं कि ये साल टेक्नोलॉजी सिंगुलैरिटी का होगा, यानी 2045 तक चुनौती इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि किसी भी इंसान के लिए ये समझ पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये निश्चित तौर पर वो युद्ध भी हो सकता है जब आखिरकार इंसानों को हर क्षेत्र में डोमिनेट करने लगेगी और इंसानों को उनके सामने कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है इन अजम्पशन के बारे में, और ये पूरी जानकारी जानकर क्या आप एक्साइटेड है या आपको धरती की चिंता होने लगी? आप भविष्य को कैसे देखते हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें।